अस्सलाम वालेकुम आदाब, पुकार न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज जिला राजौरी के इलाका थाना मंडी में एक रिहायशी मकान आग की जद में आकर खाकस्तर हो गया। इतलात के मुताबिक यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया, जिसमें दो मवेशी अपनी जान से हाथ धो बैठे। मौसूल इतलात के मुताबिक फातिमा बेगम नामी एक बेवा खातून इस मकान की मालिक थी। हादसे के फौरन बाद SHO फरीद अहमद की क्यादत में थाना मंडी की मकामी पुलिस जाए वारदात पर पहुंची और हादसे का मुआयना किया। पुकार न्यूज में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान राही नवाज लोन को दीजिए इजाजत। मजीद तफसीलात मेंढर से तारिक शाल की ये रिपोर्ट। जी, ऊपर तार थी बिजली की और शॉर्ट हो गई है। मेरी दो मांझ खत्म हो गई, एक मांझ और एक कटो, एक बांडी, एक कमरो सड़ गए। ये बच्चा है मेरा निका निका, ये बच्चा जतीम है, एक यो बच्चो, एक यो, ये दो बच्चा है। बड़ो बच्चा की भी मौत हो गई, मेरे करला की भी छोटे छोटे बच्चा रह गए थे, मौत हो गई थी। आए दिन तो नहीं, किसे नहीं मिना, कोई पैसो कोई कख नहीं दी तो गवर्नमेंट ने। अपनी खुद बांडी बनाई थी और इस बच्चा ने बम्बे मजदूरी कर गया, बांडी बनाई, कमरा दो बनाया, किसे ने कुछ नहीं मिना दी तो। मैस ली भी पिछले साल 1,00,000 रुपया गई, आज मेरी भी मैस भी और कटो सब कुछ नुकसान हो गया, 2-3 लाख रुपया मेरा खत्म हो गया। बांडी मेरी कमरों सड़ गई, खत्म हो गई, इन बचे बच्चों ने क्या ले जाऊंगी। दसो मेरा क्या चार वसीलो क्या जाओ, यो निको मशूम बच्चो है, क्या कराओ, मेरा कोई वसीलो लादबाज नहीं, वो क्या दसो। आज मेरा बस कोई नहीं है, मैं बड़ा मुसीबत तक की है, बहुत परेशानी तक की है। मैं कर लो, छोटा छोटा बच्चा था मेरा, तो रह गया, खत्म हो गया, थोड़ा मैं पालिया, आगे तो बच्चा भी खत्म हो गया। आज निको मशूम एक बच्चो है, बाल बच्चो निको है, क्या करा गो इसमें। आज मेरा